स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भिन्न डाक मत पत्र को लेकर कलेक्टर और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह आमने सामने। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता, दिव्यांग मतदाता और कर्मचारियों के डाक मत पत्र गायब करने के आरोप लगाए। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने वीडियो वायरल तक सफाई दी। कलेक्टर बोले, डाले गए डाक मत पत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं और सुरक्षित रूप से बनाए गए स्ट्रांग रूम, ITI लाहार और जिला कोषालय में पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। विधानसभा क्षेत्र लाहार, जिला भिंड के डाक मत पत्र जिनमें 80 प्लस दिव्यांग और कर्मचारियों द्वारा डाले गए डाक मत पत्र शामिल हैं, पूर्णतः सुरक्षित हैं। ये मतपत्र इस हेतु बनाए गए अस्थाई स्ट्रांग रूम ITI लाहार एवं जिला कोषालय भिंड में पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित रखे गए हैं और कोई भी मतपत्र गायब नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के 11 लाहार निर्वाचन क्षेत्र के शासकीय कर्मचारियों के जो करीब 1200 मत पड़े थे, इसके अलावा विकलांग और वृद्धों के 235 थे, उन मतपत्रों को गायब कर दिया गया है। ना कलेक्टर से जानकारी प्राप्त करने बता दे, पता नहीं कहाँ रखे गए हैं। निर्वाचन अधिकारी सहायक SDM लाहार से पूछा, उसने भी इनकार किया है। इसी प्रकार जिन शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने ड्यूटी के समय अपने ट्रेनिंग के दरमियान फॉर्म भरे थे, वो मत डालने के 600 शासकीय कर्मचारी के मतपत्र गायब कर दिए गए। इस प्रकार भिंड के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने की संभावना है, शीघ्र जांच करके कार्रवाई की जाए। इसकी शिकायत मैंने मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी श्री अनुपम राजन जी को भी की है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।